बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का जन्म 1 मई 1988 को अयोध्या में हुआ था। इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्म दी थी, जिसमें शामिल है पीके, ए दिल मुश्किल, रब ने बना दी जोड़ी, सुल्तान, जब तक है जान, जब है मेट जेशल, जीरो जैसी सुपरहिट फिल्में में काम करके इंडस्ट्री को एक अलग ही पहचान दी थी। लेकिन दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अनुष्का शर्मा का निधन हो गया। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना। इस वक्त सोशल मीडिया पे लगातार वायरल होते जा रही है कि अनुष्का शर्मा का निधन हो गया। आइए जानते हैं पूरी जानकारी हमारे वीडियो के तहत। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिना स्किप किए। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी खबरों को लगातार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने अभी सुना कि अनुष्का शर्मा का निधन हो गया, पूरी सोशल मीडिया पे लगातार ये वायरल होते जा रही है कि अनुष्का शर्मा का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। और ये भी बताया जा रहा है कि कार एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से उनका निधन हो गया। कार एक्सीडेंट के दौरान ये बताया जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा चोट लग गई थी। वहां के आसपास के लोगों ने उन्हें देखा इस हालत में, तो जल्दी से करीबी अस्पताल में लेके गए और इन्हें एडमिट करवाया। वहां डॉक्टरों के द्वारा इनकी ट्रीटमेंट भी जारी थी। डॉक्टरों का कहना है कि एक्सीडेंट के दौरान इनकी काफ़ी ज़्यादा खून निकल चुके हैं, जिसकी वजह से इनको रिकवर होने में कुछ समय लग सकता है। लेकिन इनके हेटर्स द्वारा ये फैलाया जा रहा है कि इनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इनकी कोई हार्ट अटैक नहीं हुई और ना ही इनका कोई निधन हुआ। हाँ, इनकी एक्सीडेंट हुई और वो अभी हॉस्पिटल में है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इनके लिए गेट वेल सून लिखना ना भूलें और इस दमदार एक्ट्रेस के लिए वीडियो को भी लाइक कर दे। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी खबरों को लगातार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई। इस बात की कितनी सच्चाई, इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता और ना ही भी किसी भी तरीके को अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। हमें अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।